आपसे स्टार्टिंग आपके नाम से पूछूंगा सर, आपका नाम से बता सकते। मेरा नाम शिवलिंग, बड़े नाम सोनावने जी। और आप हमारे पास आए, आपको हमारा रेफरेंस कैसे मिला सर? हमारे जिम के सर है, उन्होंने आपको आपका रेफरेंस दिया जी, ललित सूदी करके। अच्छा, और आपको तकलीफ क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी? आपको नेक पेन और बैक पेन था, वो भी 5 साल से। 5 साल से? हाँ। तो आपकी एज इसमें अभी क्या होगी? एज एज मेरी 31 है। 31 है जी। तो 5 साल में कभी किसी तरीके ट्राई नहीं किया कि भी तकलीफ हो रही है, क्या ट्राई किया आपने? बहुत ट्राई किए, फिजियोथेरेपी किए, डॉक्टर के पास गए, आयुर्वेदिक किया, बट किधर भी रिलीफ मिला ही नहीं। अच्छा, तो मतलब कोई एक्सरे एमआरआई भी आपने निकाला था? जी जी, सब निकाला सब। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे थे, क्या है? नॉर्मल है, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल है। तो आपको एक्चुअली अभी जिम भी आप करते थे, तो अभी आप जिम प्रेजेंट नहीं कर रहे? अभी फिलहाल तो नहीं। तो उस प्रॉब्लम के बाद जिम आपकी नहीं हो पा रही है कि या? उस प्रॉब्लम के बाद से नहीं हो पा रही। तो बेसिकली क्या क्या डिफिकल्टी आ रही थी आपको, मतलब प्रॉब्लम की वजह से क्या नहीं कर पा रहे थे? शोल्डर मूवमेंट नहीं कर पा रहा था जी, डेडलिफ्ट नहीं कर पाता था, साइड लैटरल मूवमेंट नहीं कर पाता, मतलब जो भी वो बैक पेन की वजह से, श्रग्स नहीं कर पाता था। अच्छा, तो इसकी सिर्फ जिम में दिक्कत हो रही थी, अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में? नॉर्मल लाइफ में यानी मतलब फुल डे ऐसा लगता था बॉडी में ताकत नहीं है, वीकनेस बहुत रहता था। तो डॉक्टर सर ने आपको मेडिसिन भी प्रिफर हुआ? हाँ, मेडिसिन दिए, लेकिन मैंने फिर बाद में सब बंद कर दिए। अच्छा, और आप फिर हमारे, आपको फ्रेंड ने रेफरेंस दिया हमारे पास है। बेसिकली आप यंग हो, हमें ये अजीब लगता है कि आपकी बॉडी देख के, पर्सनैलिटी देख के लगता ही नहीं कि आपको कोई पेन या तकलीफ हो सकती है, बट आप बोले 5 साल हो गए, 5 ईयर्स हो गए आपको ये सब चीज़ फेस करते हुए। और जब फर्स्ट डे आप हमारे पास आए, तो क्या रहा कि यहाँ पर भी देखते होता है कि नहीं? वैसे तो नेगेटिव होते ही हैं इंसान, क्योंकि इसने चेंज किया मेडिसिन 5 साल से। तो फर्स्ट डे आप गए और आज आपका थर्ड सेशन है बेसिकली। वैसे आप तो फर्स्ट सेशन में बता रहे थे मेरे को तो जरूरत ही नहीं थी, ठीक हो गया। फर्स्ट सेशन में एक्चुअली जब आपने वो किया ना कैरोप्रैक्टर, तो एक्चुअली मेरे को डेली सर मेरा हैवी लगता था, ठीक है, तो बट पहले सेशन में एकदम फ्री हो गया, ठीक है। और बैक पेन? बैक पेन भी। तो आप बता रहे थे आपको हर शाम को पेन? हर शाम को पेन होता था, मतलब 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद वो डेली होता? डेली डेली, अगर काम पे रहूँ तो डेली होता था। अच्छा, डेली होता डेली। और ये 5 साल से कंटिन्यूस ऐसे? कंटिन्यूस था। और जब हमारे को फर्स्ट डे, उसके बाद फर्स्ट डे आया उसके बाद से हुआ ही, उसके बाद से मैडम रोज पूछते थे, बट नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट डे से ही मतलब पेन हुआ ही नहीं। और आज आप क्या बिफोर एंड आफ्टर में क्या चेंज फील कर रहे हैं? चेंज फील ये कर रहा हूँ, बॉडी पूरी रिलैक्स है, जो अकड़न थी ना जकड़न, वो एकदम नॉर्मल है। और जो पेन था, जो पेन था वो तो है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, और हेडेक तो अभी है नहीं, हेडेक जो 5 साल से दवाई खा रहा था अब नहीं खा रहा। अच्छा, आपको लगता है इस ट्रीटमेंट के बारे में और किसी को रेफर करना चाहिए? हाँ सर, क्योंकि जो आपने बिफोर एंड आफ्टर खुद फील किया है ट्रीटमेंट को लेके, ना ही कोई मेडिसिन दी है, ना ही कोई सर्जरी है, आपके हमारे एक्सरे भी साइड पे रख दी हमने, कुछ उसकी जरूरत नहीं है ना। और बेसिकली नेचुरली थर्ड सेशन की जरूरत भी नहीं थी आपको तो, बट हमने एक नेचुरली मसाज या आपके मसल लूज करने के लिए आपको कपिंग थेरेपी वगैरह यूज़ की है, बट अदरवाइज फर्स्ट सेशन में आप तो बोल रहे थे मुझे तो पेन है ही नहीं है। अब शाम को फील करते थे ना, मैंने शाम को जाके फील करिए कि आपको 5 बजे बाद पेन आता है कि नहीं आता, बट सेकंड डे आप बोले कि पेन तो आए आए 5 साल बाद, पहली बार ऐसा बोला? पहली बार ऐसा। चलो, आई होप कि आप हमारे पास आपको इस ट्रीटमेंट से खुशी मिली है, अच्छे आपको अच्छा ट्रीटमेंट लगा। हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ के बारे में और लोगों को रिकमेंड करें ट्रीटमेंट के बारे में, विदाउट मेडिसिन विदाउट सर्जरी कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक हो सकता है हमारा 5 साल पुरानी प्रॉब्लम हो या 10 साल पुरानी प्रॉब्लम हो, बट थोड़ा सा पेशेंट रखने की जरूरत है। बट हम तो पूरी कोशिश करते हैं पेशेंट को अपनी तरफ ठीक करने की, बट कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? गुड। थैंक यू सो मच आपका सर ये फीडबैक के लिए, क्योंकि आपके एज वाले बहुत सारे यंग गर्ल्स बॉयज होंगे जिनको कोई तकलीफ है या मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपके इस फीडबैक से आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे कि भाई यहाँ पे जो यंग बॉयज गर्ल्स हैं? यही कहूँगा कि एक बार आए, एक बार जरूर देखिए, एक बार ये ट्रीटमेंट लेके एक्चुअली लोग थोड़ा बहुत डरते भी हैं, डरते भी हैं, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर लोगों को बता पाएंगे कि हमारे पास आके एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए कि इस ट्रीटमेंट से बेनिफिट्स है या साइड इफेक्ट है, आपको क्या लगता है? नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं, बेनिफिट्स ही, बेनिफिट्स ही। थैंक यू सो मच सर आपका फीडबैक।